सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक विंग के। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम जो हमारे यूट्यूब पे जो प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगा सकते हैं, और जो पीछे प्रोफाइल पिक्चर के पीछे जो बड़ा सा एक बैनर दिखता है, वो बैनर उसको हम चैनल आर्ट बोलते हैं, उसको हम कैसे लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विंकी मौर्या, आप देख रहे हो टेक विंकी चैनल। चलिए अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं और वहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि हम किस तरीके से हमारे जो यूट्यूब के चैनल पर हम हमारी डीपी लगा सकते हैं, या फिर हम बैकग्राउंड में जो पीछे बड़ा सा बैनर हम किस तरीके से लगाएंगे, वो आज अब मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से डीपी और जो बैनर कैसे लगा सकते हैं। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम चैनल आर्ट और डीपी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इसके लिए जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में, तो मैं क्रोम ब्राउज़र में चला जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको ओपन करना है यूट्यूब का, यूट्यूब को ब्राउज़र में ही ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए ऊपर ये जो डीपी मेरी दिख रही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए यूअर चैनल का दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कस्टमाइज चैनल लिखा हुआ आ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम बैनर और डीपी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बीच वाले में जो ब्रांडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाले में आपको यहाँ पर जो मेरी डीपी शो हो रही है, यहाँ पर इसके साइड में चेंज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करके हमारी फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारी डीपी लगा सकते हैं। और नीचे वाले में देखिए यहाँ पर जो आपका चैनल का आर्ट है, चैनल बैनर है, उसको आप यहाँ से नीचे वाले में चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला जो दिख रहा है आपको वो वीडियो वाटरमार्क वाला, तो इसके अंदर आपको वाटरमार्क में जो चेंज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप जो भी आपकी जो डीपी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जब वीडियो चलेगा तो वहाँ पर साइड में छोटा सा आपका वाटर मार्क दिखेगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से आप ये चेंज की जगह से आप चेंज करके कर सकते हो। और इसको स्टार्ट टाइम आपको 0.00 सेकंड से भी कर सकते हो, या 0.01 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे वीडियो स्टार्ट होगा तो एंड तक आपका चलेगा, इस तरीके से आप अपना वो डाल सकते हो, डीपी और चैनल आर्ट डाल सकते हो। और वहाँ से उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, तो आपका ये सक्सेसफुली एड हो जाएगा। इस तरीके से आप चैनल आर्ट और डीपी लगा सकते हो यूट्यूब पर। और भी आगे की अगर वीडियो को कुछ रहेगा तो मैं आपको और वीडियो आपको से अपलोड कर दूँगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो देखकर आपको समझ तो आ ही गया होगा कि किस तरीके से हम डीपी लगा सकते हैं और किस तरीके से हम चैनल आर्ट लगा सकते हैं। चैनल आर्ट का आप साइज़ आपके मतलब उसमें जब आप अपलोड करोगे तो वहां पर नीचे बता देगा कि कितना साइज़ लेना है, तो उस तरीके से आप उसका साइज़ लेकर आप बनाकर उसके अपलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और जो उसमें हम वीडियो के नीचे जो कोने में को जो आपका चैनल का जो वाटरमार्क आता है, वो वाटरमार्क भी इसमें हम किस तरीके लगा सकते हैं, वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो उस तरीके से आप लगा सकते हो और अपलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय आदिवासी, जय जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।